और नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान का चेयरमैन चुने जाने पर बीजेपी में किसने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय नरेंद्र मोदी जी कुशल संगठक हैं, योग्य प्रशासक हैं, उनके नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विजय की हैट्रिक लगाई है और इलेक्शन मैनेजमेंट के उनके उनसे जानकार बहुत कम है। मोदी साहब को लेकर बहुत भारी उत्साह है लोगों में और सरकार सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और आज के बाद बीजेपी में अब आडवाणी युग इतिहास का हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। नए दौर में मोदी जैसे नेता ही पार्टी की पहचान बनेंगे तो आखिर क्या करेंगे आडवाणी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रविवार को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन साफ हो गया कि अब पार्टी के भीतर नई पीढ़ी का नया युग शुरू हो चुका है। आडवाणी जैसे पुरानी पीढ़ी के नेताओं का वक्त शायद अब नहीं रहा। जरा राजनाथ सिंह को सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहता। फिर भी जरा ये तस्वीर देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन उस मंच पर लगा पोस्टर है जहां से मोदी सहित पार्टी के कई नेताओं को भाषण देना था। इस पोस्टर से आडवाणी की तस्वीर गायब दिखी। पोस्टर में बाईं तरफ राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज की तस्वीर है, दाईं तरफ की बात करें तो यहां जेटली और मोदी की तस्वीर है। लाल कृष्ण आडवाणी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर कहीं नहीं। जो ही इस पोस्टर को इंडिया न्यूज ने दिखाना शुरू किया बीजेपी के नेताओं में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद इस पोस्टर के बगल में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के कटआउट लगा दिए गए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, राजनाथ सिंह के ऐलान से पहले ही ये साफ हो गया था कि आडवाणी के आगे पार्टी नहीं झुकेगी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक आडवाणी पार्टी के लिए अब क्या करेंगे। कांग्रेस को कैसे कांग्रेस को किनारे करने में आडवाणी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो भाषणों के जरिए लेखों के जरिए कांग्रेस पर उनका हमला जारी रहता है और जारी रहेगा। हालात यह है कि आडवाणी की नाराजगी की खबर पूछने पर पार्टी नेता मीडिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो बाकी कह रहे हैं आडवाणी का कद किसी पद का मोहताज नहीं। गलत खबर है, भ्रामक खबर है, भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग, कोई नाराजगी नहीं। माननीय आडवाणी जी का मार्गदर्शन लेकर और सभी वरिष्ठों से चर्चा करके ये जो फैसला हुआ है उस फैसले का हम सब हृदय से स्वागत करते हैं। भीष्म पितामह का मतलब जो है किसी सिंहासन की लड़ाई नहीं है और ये विषय वो खुद अपने शब्दों में कह चुके हैं और प्रधानमंत्री पद की जब दावेदारी आएगी, जब विषय आएगा, उसका जवाब आपको तब मिल जाएगा। बीजेपी में मोदी के आगे कोई नहीं, इस बैठक से ये साफ हो गया। आडवाणी को बस पार्टी का मार्गदर्शक बताया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।